हम अपना जो सेशन है ना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया। ऐसे ही आप लोग अपनी जो असाइनमेंट्स वगैरह ना वो सबमिट करवाई जाया करो, जैसे जैसे आप लोगों के सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों की प्रैक्टिस ही है। अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसमें प्रैक्टिस करते जाओ, अभी पर पूरा मंथ यही आपकी स्किल्स जो है वो गो ऑन होंगी। ठीक है, तो आपने इसी में प्रो होना है, तो कोशिश किया करें कि साथ के साथ प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स अपने टीचर्स को सबमिट करवाएं, ताकि पता चले कि आप कितना अच्छा गेन कर रहे हो। ठीक हो, अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम मार्केटिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, मार्केटिंग हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, और मार्केटिंग को नेक्स्ट हम कितनी वास्ट एप्लीकेशन पे लाइक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का तो सुना ही होगा। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है, जैसे हम लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, फोन नंबर मार्केटिंग आ जाती है, और इसके अंदर बहुत सारा, ठीक है, वास्ट, जैसे जैसे हर चीज, लाइक आप वीडियो उसके थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑडियो के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास उस वो प्रोडक्ट या वो नॉलेज होना चाहिए जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का आपने देखा होगा कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, अब जैसे लोगों के माइंड में ये चीज है कि व्हाट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है हम ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने जो है एक मार्केटिंग होती है क्लाइंट्स ग्रैब करने के लिए, एक मार्केटिंग होती है अपनी चीजों को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली काम क्या है हर चीज के अंदर कि हमने जो है वो क्लाइंट्स को ग्रैब करना और अपनी जो चीज है वो सेल आउट करनी है। अब सबके माइंड में यही चीज आती है कि मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है, चीजों को सेल करना। अब ये वर्ड सेल क्या है, ठीक है, सेल बेसिकली कोई चीज जो हम बेच रहे हैं। ठीक है, ये अपने अंदर ही एक चीज रिजेक्शन का नाम है। अब सेल रिजेक्शन का कैसे नाम है, अब आप लोग देखो कि अगर आपको कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई ये आपके पास प्रोडक्ट है, या आपने ये काम करना है, या किसी की सेल को ग्रो करना है, या सेल को जनरेट करना है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी मेडिकली हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई डिजिटल प्रमोटर्स हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपने जाके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे, इन पे जाके आप लोगों ने पोस्ट क्रिएट करते हो या अच्छे से कीवर्ड्स लिखते हो जिनको देख के अट्रैक्ट करके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। ठीक है, अब ये तो थी ऑनलाइन मार्केटिंग, अब जो सेम ऑफलाइन मार्केटिंग वो होती है जो हम लोग फेस टू फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक हम ऑनलाइन बैठ के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के, एक होता है फिजिकली तरीके से किसी के साथ फेस टू फेस मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग का जो मेन स्टेप में आता है वो यही आता है कि आप पहले फेस टू फेस करो, ठीक है, यानी कि अपने जो है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी चीज को या किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो आप पहले अपने पर्सनल अप्रोच करो, यानी कि आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए जिनको, जिनके थ्रू आप अपना स्टार्ट जो है वो इनिशियल ले सको कि मैं आया क्या कर रहा हूँ, या मेरे पास कोई स्किल है तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब सेल के अंदर आपको रिजेक्शन कैसे मिलती है, सेल जैसे अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट सेट किया है कि आपने आपको एक कंपनी है, आप लोगों ने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के बारे में सुना ही होगा कि लोग कैसे चीजें आ रही हैं, आपने उसको नेक्स्ट के नेक्स्ट जनरेट कर उसका सेल्स इंक्रीज करके देनी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम मल्टीमीडिया लेवल की मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें आप चेन टू चेन मार्केटिंग करते हो। ठीक है, उसमें क्या आता है कि आपने एक कंपनी है, उसमें आपने अपने जो है प्रोडक्ट्स, उसने आपको एम्प्लॉय रखना है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि आपको वो आपके लिए उसमें एजुकेशन डिपेंड नहीं करती कि आपका मैट्रिक है, आपका बीएस ऑनर है, आपके लिए वहां पे डिपेंड क्या करता है कि आप कितनी अच्छी जो है वो सेल्स जनरेट कर सकते हो, लाइक कितने अच्छे आइडियाज जो है वो डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने उठानी है उसकी प्रोडक्ट्स को और नेक्स्ट लोगों को उसको एडवर्टाइजमेंट करवानी है। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे आप करवा सकते हो, उसके लिए आप लोगों के साथ मेल के करवा सकते हो, आप पंपलिक्स के थ्रू करवा सकते हो, आप अपनी चीज की फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई चीज क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे कोई एक सिंपली देख ले, एक डॉक्टर का क्लिनिक है, अब लोग जो हैं वो जल्दी नई चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते,
ठीक है, अब अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, उसके भी एक तरीका होता है उनपे अट्रैक्ट, उनमें अट्रैक्शन लाने के लिए उस चीज के अंदर, कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सेल्स इन्वेट करने के लिए पहले फ्री का वर्ड, लाइक फ्री वर्ड या फ्री कैंप लगा देते हैं, क्या आया आप आओ हमारे पास आके, ये जो हम लोग कर रहे हैं काम इसके आप चेक करो, ये फ्री में है। तो फ्री एक ऐसी चीज है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मीडियम कोई बंदा है जिसका मतलब लाइक तबका है कि वो उस चीज को इस्तात रखता है, लेकिन फिर भी फ्री का वर्ड ऐसा अट्रैक्ट करता है, हर कोई चाहता है कि मेरा काम फ्री में हो जाए या मुझे वो चीज फ्री में मिल जाए। तो फ्री वर्ड जो है वो बेसिकली आपकी एडवर्टाइजमेंट या आपकी सेल्स को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब सेल्स के अंदर क्या है कि आपने अपना मेन स्टेप जो है वो क्या होता है कि वो आपको कस्टमर को सर्टिफिकेशन देनी होती है, लाइक ये जो आप बोल रहे हो ठीक है, या ये आप बता रहे हो। अब आपने वहां पे जाके आपको एक टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं बोलना होता कि आया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको ले लो ले लो ले लो ले लो, या फिर लाइक डैट इसको ये कर लो इसको ये कर लो, हमारी कंपनी इतनी देर की, हमारी कंपनी इतनी पुरानी है। अब समझने की बात यह है कि सेल्स को जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले साइकी समझनी पड़ती है। अब साइकी आप कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक डैट देखें, अगर आपने कंगा को सेल करना है, कंगी को ठीक है, एक कॉम को, उसको सेल करने के लिए आपको ये जहन में रखना है कि आपने उसको बालों वालों को सेल करना है एज कंपेयर टू किसी गंजे को, ठीक है। कहते हैं ना कि अब ऐसा तो नहीं होता ना कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम अगर उनको कहते हैं कि भाई हमारा ट्रीटमेंट करो या मेरे पेट में दर्द है, तो वो आपको डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा ना कि आप लेट जाओ ठीक है, या मैं आपका चेकअप करूंगा या मैं आपकी ये चीज निकाल दूंगा, तो हम तो उसको पागल ही समझेंगे ना। तो सेल्स भी सेम लाइक डेट यही है वो डॉक्टर की एग्जाम्पल के साथ, कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली लोग जो हैं वो अपनी सेल चीज कर तो देते हैं लेकिन वो सेल्स के आइडियाज को मजीद जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। अब वो कैसे, अब डॉक्टर जो है सबसे पहले आपका क्या करता है, मायना करता है। मायना करने के बाद वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है या आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है कि आप ये खाओ, उसके बाद आप दोबारा आओ। अब ये क्या चीज है, वो बंदा क्या बन गया, वो आपको कंसल्टेंट बन गया। अब कंसल्टेंट और सेल्स जो मार्केटर है उसमें डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंस ये है कि कंसल्टेंट जो है वो, अगर आप कंसल्टेंट की डिफाइन देखो तो उसका मतलब ये है कि वो लोगों को बेनिफिट्स को बता रहा है। जब आप लोगों के बेनिफिट्स के बारे में बताओगे कि आया फॉर एग्जांपल एक पेन है ठीक है, अब एक पेन के आपने फीचर्स आपको पता है कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं, तो आप अगर अपने कस्टमर को ये चीज बताओगे कि इसके तो ये फीचर है, इसके तो ये फीचर है, इसमें तो ये है, वो कहेगा इसमें यूनिक थिंग क्या है, ठीक है। जब तक आपकी प्रोडक्ट या आपकी बात के अंदर यूनिकनेस नहीं होगी अपनी चीज को लेके, तो आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि सेल आउट चीजें हो जाती हैं ठीक है, लेकिन ये है कि आप अपना रिलेशन ही बिल्ड कर पाते हैं उस क्लाइंट के साथ। मैटर तो आपका रिलेशन बिल्ड करता है ना, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड होगा उसी हिसाब से आपके सेल्स जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। आपकी जो कंपनी की सेल है या आपकी प्रोडक्ट है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, या कोई चीज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपने वो चीज उसको बताई, आपने क्या कहना है, वो पेन है ठीक है, पेन का आप क्या बताओगे कि भाई ये पेन जो है लिखते हुए हाथ नहीं थकाता, तो ये एक बेनिफिट हो गया, अब वो कस्टमर को अच्छा लगेगा। इसकी जो निब है इसके थ्रू आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, ये बाकी चीजों की निस्बत अच्छा है, तो वो आप जब पेंस, तो ये चीजें हैं कि लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताने, लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स के बेनिफिट बताने हैं। फीचर्स और बेनिफिट जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, समझे सारे इस चीज को, फीचर्स एंड बेनिफिट। आपने करनी वही चीज है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फीचर्स जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनको उस कस्टमर की नीड्स के मुताबिक बताना है। अब बास टाइम ऐसा होता है लोग जो है वो डीलिंग करते हैं, तो डीलिंग करते हुए वो जस्ट अगले की सुनते नहीं है कि आया उसको वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की मतलब लाइक देती हूँ एग्जाम्पल। अब उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि आपने जाना है लोगों को पॉलिसी के लिए, आपने मुतमईन करना है, ठीक है। अब वो मुतमईन आपने कैसे करना है कि आपने उनको बताना है कि आया ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब लाइक है कि मरने के बाद मिलती है, लाइक ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही हैं।
अब उनमें क्या होता है डिफरेंस कि उनके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट ऐसा होता है जो क्या कहते हैं कि वो डिफरेंट होता है दूसरी कंपनी से, ठीक है। अब आपका जो 80% काम है वो क्या है, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है, जो आप अपने माउथ और अपनी जो नॉलेज के थ्रू बता रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि आप उसको लाइक एनालिसिस वगैरह करो कि आप प्लान क्रिएट करो कि कैसे आपने करना है, किस किस्म के एज एंड जेंडर एंड लोगों को आपने ये चीज जो है या ये प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है, ठीक है। जब तक आपको लोगों की साइकी या आप लोगों का वो क्राइटेरिया नहीं बना लेते तब तक आप नहीं कर सकते। आप फ्रीलांसिंग की स्किल्स का ही देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रीलांसिंग की स्किल्स को सिखा रहे हैं, ठीक है, या फ्रीलांसिंग का कोई टूल बेच रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग टूल या कोई काम लिखने के लिए आप कौन सा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो, वो ग्रुप जिसमें ऑलरेडी हजारों के हिसाब से टॉप रेटेड फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, ठीक है। फाइवर पे भी सेम यही सीन है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं अपनी अपनी चीजों को मतलब लाइक अपलोड करने के लिए और उनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो अब आप लोगों की मेन तो गलती यही होती है कि आप उन ग्रुप्स को टारगेट तो कर रहे हो लेकिन आपके कीवर्ड्स बिल्कुल सेम है उनकी तरह, वो चीज जो पकी पकाई उनको ऑलरेडी मिल रही है, फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूनिकनेस अपने कीवर्ड्स के अंदर, लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि फ्री का वर्ड जो है, जैसे लाइक मैं अगर आपका कोई काम है कंटेंट राइटिंग का कोई काम है तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं आपकी फ्री जो चीज है वो पहले करके दूंगा, उसके बाद मैं आपकी जो है वो डिस्काउंट पे कर लूंगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्लाइंट के साथ एक तो ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपका जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये भी बहुत सारे क्वेश्चनिंग आते हैं कि सेल्स करते हुए हमें कैसे पता चलेगा है कि ये कंपनी फेक है या ये बंदा ट्रू है। तो उसके बारे में ये होता है कि आपको फाइवर पे बहुत सारे मतलब लाइक उसके कस्टमर जो आपका क्लाइंट होता है उसके बारे में हिस्ट्री भी मिल जाती है, उसके रिव्यूज के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने किसी कंपनी के साथ इल्हाक किया तो आपको उसकी पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करना चाहिए, गिट से आपको उसका प्रोफेशनल ईमेल पता होना चाहिए कि आया ये कंपनी है भी कि नहीं है कि यार लाइक ये फेक है, ठीक है। तो इस तरह करके और आप लोगों के लिए फेकनेस वगैरह तो चूज करना या उसको सिलेक्ट करना कोई मुश्किल तो नहीं है कि आया ये बंदा ठीक है ये ठीक है, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह सारे इतने आप लोगों को पता चल जाता है बात करते हैं या किसी के साथ चैटिंग पे ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। तो क्लाइंट्स ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब मेन काम क्या था कि सेल्स के अंदर आपने अगले बंदे को सेटिस्फाई करना होता है उसकी नीड्स के मुताबिक। जैसे मैं बता रही थी इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें क्या होता है कि आपने लोगों को बताना है कि ये जो आपकी मनी है, ठीक है, ये जो आपका पैसा है ये अभी तो आपको बेनिफिट दे रहा है लेकिन इन केस ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट कैसे देगा, मतलब अगर आप इसको सेव नहीं करते। वो आपकी सेविंग कभी भी नहीं होती जो आपके हाथ में हो या आपके पास हो, सेविंग हमेशा वो चीज होती है जो आपकी दस्तरस से थोड़ा सा बाहर हो, ठीक है। तो ये चीज ये है कि आपने उनको कन्वेंस करना होता है, ठीक है। कन्वेंस में ये कि कस्टमर की ही बेनिफिट जो होते हैं उनको ही किया जाता है डिस्क्राइब, और हमेशा जब भी आप किसी कस्टमर कर रहे हो एग्जांपल लाइक डीलिंग कर रहे हो तो आपकी जो सेल के अंदर इमोशनल टच होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल टच मीन के उसमें कोई रोने वाला सीन लाइक ये नहीं मैं कह रही, उसमें इमोशनल टच के कहने का मतलब है कि आप अगले बंदे के दिमाग और उसकी पहले चीजें पूछो, लिसनिंग पावर को इंक्रीज करो। जब तक आपके पास लिसनिंग पावर नहीं होगी आप कभी भी अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते, ठीक है। लिसनिंग पावर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक बंदा ऑलरेडी इतना भरा हुआ है, जब आप उसको सुनोगे या आप उसकी बात काटोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में आजकल सुनाने वाले तो बहुत है लेकिन सुनने वाले बहुत कम है, ठीक है। तो लिसनिंग पावर जो है वो सेल के अंदर सबसे मेन चीज है। अब लिसनिंग पावर में क्या होता है कि जब वो बंदा अपनी सारी चीजें अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बता देगा तो आपने क्या करना है कि उसकी सुनने के बाद अपनी चीजें उसके दिमाग में डालने की कोशिश करनी है, ठीक है, डालने की, क्योंकि इस तरह आप अपनी बात जो है एक खाली जहन को जो बिल्कुल अपनी सुना के साइड पे हो गया उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हो। तो सेल्स में लिसनिंग पावर, अगले बंदे को सेटिस्फाई करना, अगले बंदे को उस चीज के बारे में बेनिफिट्स देना जो वो चीज नहीं बेनिफिट
वो चीज जो उन्हें बेनिफिट दे रही है, लाइक अगर पेंसिल है तो पेंसिल का उन्हें बेनिफिट क्या है, वो आपने अपना कभी नहीं बताना कि मैं मुझे क्या बेनिफिट है या इससे क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी को सेल करने के लिए भी पानी भी कंपनीज बहुत ज्यादा है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। अब कोई पूछेगा तो वो ये नहीं पूछते कि आया ये प्रोडक्ट न्यू है ये क्यों है, वो ये पूछते हैं कि आया आप ये चीज बेच क्यों रहे हो, इसमें डिफरेंट क्या है जो हम आपसे ये लें। तो ये मेन क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट यूनिकनेस आपको अपनी अपनी जो चीजें हैं उसके अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। अब ये है कि सेल्स के अंदर बहुत सारी टाइप आ जाती हैं, आप फेस टू फेस कर सकते हो सेल्स, ठीक है, लोगों को कन्वेंस कर सकते हो, आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू कन्वेंस कर सकते हो। अब कोल्ड कॉलिंग क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग कॉल्स करते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से कॉल्स आती हैं कि भाई अच्छे वे में बात किया जाता है, लहजा जरा मीठा और ईच एंड एवरीथिंग, आप अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सको। टारगेट आपको बेशक अगर वो 75-70 का दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि 75 को निकालते निकालते नो नो करते यस में से सिर्फ 3-4 बंदे ही बचेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो काटते बात आपकी फौरन काट देते हैं, कॉल करके कह देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ कह देते हैं हाँ ना में रहते हैं, कुछ मतलब एग्री हो जाते हैं, जो हाँ और ना की कश्मकश में होते हैं वही आपका असल टारगेट होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जब आप किसी कस्टमर को डील कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्पफुल होंगी। दूसरा, आपका अपनी चीज के बारे में कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप फिजिकली बैठ रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और आपका दूसरे को सुनने की जो हिस है, और आप दूसरों को जो सेटिस्फाई कर सको वो मैटर करता है, ठीक है। ये था सेल्स के बारे में। अब कोल्ड कॉलिंग के थ्रू कर सकते हो आप, व्हाट्सएप स्क्रैपिंग, ईमेल स्क्रैपिंग के थ्रू अपनी चीजें किसी को भी मैसेज के थ्रू भेज सकते हो एक ही बार में मर्ज करके, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सेल कर सकते हो, अपनी चीजें बेच सकते हो, ठीक है। या आप लोगों ने क्या करना होता है, सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पॉम्फलेट बना के अपनी चीजें बेचती, ठीक है। क्योंकि एक काम जो ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहा है उसको आपने ऑफलाइन भी तो करना ही है, क्योंकि दोनों तरफ से आपका फायदा। अगर आप ऑनलाइन भी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऑफलाइन भी कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको क्लियरेंस पता हो कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज मार्केटिंग, इसको करना कैसे है, इसके अंदर मेन स्टेप्स क्या है, तो जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। और सबसे मेन चीज, आपका रिलेशन क्लाइंट्स के साथ बिल्ड करना, क्योंकि विदाउट रिलेशन बिल्ड किए आप अच्छी सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो आपको मार्केटिंग के अंदर, जब आप स्टार्ट में मार्केटिंग करोगे या पोस्ट वगैरह लगाओगे या अपनी फाइवर का अकाउंट बनाओगे तो गिग्स वगैरह ऑर्डर के लिए। अब एक और चीज आप लोगों को मैं बताती चलूं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि हमारा जो है वो गिग रैंक नहीं कर रहा। कुछ लोगों की गिग रैंक करके भी उतना उन्हें ऑर्डर नहीं दे रही होती, ठीक है। कुछ लोग जो है वो 2 और 3 पेज पे बैठ के भी अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, वो कमाते कैसे हैं, वो लोग जस्ट अपनी गिग बना के वहां पे नहीं छोड़ते, वो अपनी उस गिग के लिंक को उठा के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह बैठ के मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग करने का मतलब ये है कि वो उससे रिलेटेड ग्रुप्स में भी जाते हैं और उससे अनरिलेटेड ग्रुप्स में भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे मैं हूं तो मैं टिकटॉक यूज करूंगी, मैं हूं तो मैं इंस्टा भी यूज करूंगी, मैं हूं तो मैं व्हाट्सएप के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी होंगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हैं कि इस तरह आप जो है वो बाहर से क्लाइंट लेके भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर ये तो था खुद से काम करने के लिए, खुद से सेल्स जनरेट करने के लिए, खुद से पैसा कमाने के लिए। एक तरीका ये भी है कि आप जो है वो अपना काम किसी के थ्रू काम करवा सको, ठीक है। लाइक अगर एक स्किल है फॉर एग्जाम्पल SEO है, तो आपको वो नहीं आती, वही चीज आप मार्केटिंग के थ्रू किसी को आधे पैसों पे करवा दो और आपको भी बेनिफिट, उसको भी बेनिफिट। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सेल्स में आप किस तरह की टाइप की सेल्स कर सकते हो, किस किस के थ्रू कर सकते हो, कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, सेल्स के लिए जो बेसिकली स्टेप क्या है आपको, है कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। रिजेक्शन मिलती है, हर जगह मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स को उठा नहीं सकते। अगर 75 का टारगेट भी रखो तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 जो है वो मिल ही जाते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये जो ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड सेल्स, कैसे कुछ आइडियाज। तो इसके बारे में मजीद मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप ये चीजें हजम कर लो और आप लोगों को पता चल जाए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई?
अच्छा जी, थैंक यू। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज होगी, तो इसका मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये तो अभी बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, जस्ट इनके कॉन्सेप्ट्स को समझें। तो व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल, एंड व्हाट इज लाइक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनको आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है साइकी पे, क्योंकि आपने कभी भी एज अ मार्केटर बैठ के नहीं डील करना होता, हमेशा एज अ व्यूअर बैठ के डील करना होता है, ठीक है। अभी किसी का क्वेश्चन गुजरा है, क्या कह रहे हैं आप मुझे मैम, डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है? डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी फर्क नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग को ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, वो बस लोगों को ग्रैब करने के लिए, चीजों को मजीद से मजीद आगे बनाने के लिए लोगों ने ऐसे हथकंडे मतलब के अपनाए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा बीमा पॉलिसी को अब चेंज करके फाइनेंशियल तकाफुल, फाइनेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लाइक डेट करके चीजें की हुई हैं। चीजें वही होती हैं, कंटेंट राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, एकेडमिक राइटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, ये सारी एक ही चीज है, सारी राइटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। हर चीज का नाम सेल जनरेट ही है। तो ये जो है बस चीजें जिस तरह आपकी इनहेंस होती जाती है, एडवांस लेवल पे आप जाते रहते हो, इसी तरह जो है वो आपकी इन चीजों के भी नाम लेके बस उन्होंने चेंज कर दिया है, चीज एक ही है। सिद्धानिश आप क्या कह रही हैं? ओके मैम क्लियर, बस अच्छा जी मैम, डिजिटल मार्केटिंग सेल मार्केटिंग, हाँ जी एक ही है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही हम तो सेल करते हैं अपनी, एडवर्टाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। जब तक आप जो है, अच्छा एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, फ्रीलांसिंग की स्किल्स में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं सीखनी, हमने SEO नहीं सीखनी, हमने वर्डप्रेस नहीं सीखनी। आपको ये पता है कि एक अच्छे फ्रीलांसर बनने के लिए और एक टॉप फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास आल की आल जो है, तो जो आल की आल है मतलब लाइक दैट स्किल, उनको आपने सीखना होता है। क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक हो गया, SEO हो गया, वर्डप्रेस हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सारी जो है वो बेसिक स्किल्स हैं। इसके बाद आपको अपना जो है वो अगला स्टेप लेना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब तक आपके पास ये स्किल्स ही नहीं होंगी तो आप किसी भी काबिल नहीं हो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ और उसको क्लाइंट्स को ग्रैब करो या कुछ भी। और मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग सबकी वो मेन चीज है जिसके थ्रू आप दुनिया को बताते हो कि मैं क्या हूं या मेरे पास क्या है, ठीक है। इतनी कंफ्यूजन मैम, अगर आपको इजीली समझ आ गई है तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। घुमाया हुआ क्यों? क्योंकि लोगों ने पैसे नहीं ग्रैब करने, पैसे ग्रैब करना भी तो एक हुनर है मैम। प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट खुद से कैसे कर सकते, मीन्स हमें खुद एड्स बनानी होंगी या फिर जस्ट फेसबुक व्हाट्सएप। देखें हम लोग जो है वो एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जो बंदा पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है, जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो वो मतलब लाइक ऑब्वियसली बात है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेगा ना, वो अपनी चीजों को जगह जगह जाके लगाएगा, ठीक है। जैसे फेसबुक पे लगा दिया कि मैं ये सेल कर रहा हूँ, या मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये न्यू लॉन्च हुई है, या आपने माउथ टू माउथ किसी को कोई चीज फ्री में खिलवा दी, ठीक है, या वो अगर प्रोडक्ट है कोई, या चीज है, गिव अवे चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप फ्री में किसी को पहले चीज देते हो ना, तो आपका बिजनेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फ्री चीज ही ऐसी है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी सबको और क्लियर हो गया? पोस्टिंग करनी, हर जगह पोस्ट करो, जहां जहां आप लोग चाहो पोस्ट करो, डिफरेंट ग्रुप्स करो, क्योंकि एक ग्रुप से निकलोगे दूसरे ग्रुप में चले जाओ, दूसरे से तीसरे से, दुनिया तो इतनी ज्यादा भरी पड़ी है। जहां चाहो मर्जी जाके अपना मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। और आइडियाज, इंसान का माइंड एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने माइंड तो एक जैसा दिया, लेकिन यूज उसको हर कोई डिफरेंट वे में करता है। तो जो एक बंदा मार्केटिंग का आइडिया निकालेगा, वो दूसरे से बेस्ट ही निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह करके अपनी जो है, अपने दिमाग के अंदर भी अपने आइडियाज को लेके आया करें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इस चीज को कैसे सेल आउट करता, मैं अगर कस्टमर होता तो मैं इस चीज को कैसे देखता। एज अ कस्टमर जब चीजों को डील करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पोस्ट करते हो भी हो पाती है, आपके पास कीवर्ड्स का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल होनी चाहिए, आपके पास लिखना इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपनी पोस्ट को रैंक कर सको, क्योंकि आपकी ये वर्डिंग ही है जो आपके कीवर्ड्स को अट्रैक्टिव करती है, ठीक है। आप लोग भी तो हमारे पास आए हो, फ्री का वर्ड सुन के ही आए हो, तो ये भी तो मार्केटिंग थी। आप लोग आज हमारे साथ बैठे हो, आप भी तो अट्रैक्ट हुए, तो आप में भी ये क्यों नहीं स्किल आ सकती, आप में भी आ सकती है। हर बंदे के अंदर ये स्किल आ सकती है कि वो अपनी चीजों को अट्रैक्टिव करे और लोगों को बताए और लोगों से वो जो है वो बेनिफिट हासिल करे, क्योंकि आज के दौर के अंदर आपका बोलना भी आपको पैसा कमा के देता है, ठीक है।
जितना कॉम्पिटेटिव दौर चल रहा है उस हिसाब से आपने अपने आप को पॉलिश करें, जो आपको सीखने को मिल रहा है तो उस चीज में सबसे ज्यादा कंसल्ट करें। ठीक है मैम, ये एक चीज क्लियर करना प्लीज के लिए रखा है, जो पहले ये क्लासेस सारी सीख के जाएगा उसके बाद वो सिखाया जाएगा। और उसमें ये फायदा होगा कि अगर आप इन स्किल्स के अंदर जो मैंने 12 स्किल्स अरेंज की हैं इसमें अगर आप बहुत अच्छे प्रो हो जाते हो तो हम आपको अपने स्टेप में ही हायर कर लेंगे सैलरी पे। ठीक है, आपको फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम जिसकी आवाज में थोड़ा इशू है तो वो मार्केट के अलावा क्या कर सकता है, मीन उसको क्या? अच्छा, आपकी आवाज में इशू लाइक आप बोलते हुए हिचकिलाते हैं या फिर आप सॉफ्ट वॉइस है या फिर आप कम बोलते हैं या स्लो बोलते हैं, कुछ मुझे इस चीज का आइडिया दे फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, बोलना बोलने के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, क्योंकि किसी को डील करने के लिए आपका बोलना ही मैटर करता है। आपकी आवाज का लाउड, मैं नहीं कहती ज्यादा लाउड हो, लेकिन पोलाइट आवाज, लहजे का कभी ऊंचा कभी नीचा होना उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसी है? एफिलिएट मार्केटिंग आप जो होते हैं क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटर आप ऐसे बनते हो कि आप वहां पे अगर अपनी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हो तो आप वहां पे सेलर अकाउंट क्रिएट कर दो। सेलर अकाउंट के लिए पाकिस्तान में बता दूं कि आपका नेशनल आईडी कार्ड लगेगा, आपका क्रेडिट कार्ड लगेगा, उसके बाद आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये है कि वो कुछ कुछ देर के लिए वो रकम भी उन्होंने फिक्स की हुई है, उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या वो फिर वो डिपॉजिट मतलब निकलवाएंगे। अब Amazon में एफिलिएट मार्केटर ये चीज होती है कि आपने किसी का प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। अब वो सेल आउट कैसे करना है कि आपने एफिलिएट मार्केटर पहले तो बनना है वहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, आपने किसी की प्रोडक्ट को उठाना है, उसका कमीशन उन्होंने दिया होता है कि कौन सी जो चीजें हैं मतलब लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है तो उसपे उन्होंने कमीशन दिया होगा 1% का या 2% का। उस कमीशन को क्या है, आपने अगर अपनी चीजों को उठाना है उसके लिंक को और उसको प्रॉपर पेस्ट करते जाना है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह कहीं ना कहीं तो वो बंदा आएगा ना सेल चीज लेने के लिए कस्टमर के लिए, तो आपका क्या आपने लिंक ही पेस्ट करना करते जो अगर फ्री में ये काम मिल रहा है, फ्री में इतना फायदा मिल रहा है तो वो जो लिंक को क्लिक करेगा और इस लिंक को क्लिक करने के बाद वो बंदा डायरेक्टली अमेजोन पे पहुंचेगा और वो प्रोडक्ट हायर कर लेगा। अब एक चीज तो बिक गई, आपको उसका 2% कमीशन है या 3% वो आपको मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद क्या होता है कि अगर वो बंदा प्रोडक्ट वापस कर रहा है तो वो अमेजन जाने, अमेजन का काम जाने, आपको आपके पैसे जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा जी, इंशाल्लाह सब भाई बहन भाइयों को अमेजन का कोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे होगा। कीजिएगा जो अभी दिन में बात हुई थी, पहले तो ये फ्री पे हमने ज्वाइनिंग की थी, अब तो हम कर रहे हैं पेड पे ज्वाइनिंग, तो उस पे कैसे कन्विंस करेंगे स्टार्ट में, ये पॉइंट क्लियर कर दें। मुझे समझ नहीं लगी, आपने फ्री में ज्वाइनिंग की थी स्टेप अप के अंदर? जी जी, मैं स्टार्ट में कहना है ये हमने फ्री में की थी और मौजूद है थी, और अब हम पेड पे था तो अपने अंदर मौजूद हैं वो लोग फ्री के अंदर ही मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या करना है अगर आप लोगों ने इनके पेड कोर्सेज लेने हैं जो प्रो लेवल तक हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम सिखा रहे हैं लेकिन वहां पे भी प्रो लेवल के अगर कोर्स आप लोगों ने लेने हैं तो आपने क्या करना है, एक एक बंदे ने 10-10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से लेके आने हैं, तो आपको फ्री में वो पेड का कोर्स भी मिलेगा। ऑलरेडी आप लोग फ्री कोर्सेज ले रहे हो, हमने जो स्किल्स के शेड्यूल बनाया वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप लोग जो है उधर करोगे पोस्ट जैसे सर वकास ने आज डिस्क्राइब किया आप लोगों को, तो वो आपने क्या करना है एक एक स्टूडेंट ने 10-10 स्टूडेंट्स लेके आना है अगर वो फ्री का कोर्स लेना चाहता है, या फिर उसने बैनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 जगह पे। ठीक है, तो ये सीन है सबका। दिस इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का सर फ्यूचर स्कोप ही स्कोप है, दराज के प्रोडक्ट्स को भी तो हम लोग भेजते हैं, अमेजोन को भी तो भेजते हैं। ड्रॉप शिपिंग का काम ऐसा जो रुक ही नहीं सकता। ड्रॉप शिपिंग का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ड्रॉप शिपिंग होती क्या, किसी के प्रोडक्ट को उठा के कहीं रखना फिर उसको नेक्स्ट शिपमेंट करना उस बंदे तक, तो ये ड्रॉप शिपिंग है। इनके पॉइंट्स को भी आपको बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा ना बोलना पड़े, बोलने के बगैर सर आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। ओके सर, सवाल है कि
कि ये जो फॉरएवर जो है, ये जो इनमें एफिलिएट मार्केटिंग होती है, तो इसमें क्या करना होता है? क्योंकि जितने भी बंदे मिलते हैं कहते हैं आपने और रेफरल पैदा करने हैं, लेकिन उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोडक्ट सेलिंग का, कुछ भी नहीं, बस वो कहते सिर्फ रेफरल ही रेफरल, मिनिमम 60,000 ना। कि आपने उनके लिंक्स को जो है वो भेजना आगे से आगे, या अगर आप किसी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं तो वो आप अपने आगे से आगे क्रिएट करवाते जाना, वो नेटवर्क चेन के अंदर आ जाता है, उसी में रेफरेंस क्रिएट होते हैं। तो उसमें तो जब तक अगर टीम ना हो तो तब तक तो वो अर्निंग भी नहीं मिलती। पर्सनल अपने करो, फिर उसके बाद उनके आगे से आगे करो, तो ये काम बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि इतना कोई भी वेला नहीं होता इतना करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली अच्छा तो है, लेकिन ये कि फ्लॉप भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले तो वो ले रहे होते हैं, जो थर्ड पार्टी के अंदर ये काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो इतना गेन नहीं करते, तो इसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन अपनी मार्केटिंग की स्किल के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम अपना जो सेशन है वो एंड करते हैं, ऑलमोस्ट पौना घंटा हो चुका है इससे रिलेटेड। बाकी मजीद जो स्टेप्स हैं मैं आपको नेक्स्ट मार्केटिंग के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, चले यहाँ से सारे नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वो कुछ डॉलर की है, बोले कि वो मंथ बाद ही होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।